सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल गीगा प्लेस। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप मेरी ऐसी कोई भी फनी न्यूज़ वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं स्टंबल गाइस की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो चलो शुरू करते हैं आज की बासी खबरें। हमारी आज की बहुत ही खतरनाक खबर निकल के आती है कार्लोड गेमिंग की तरफ से। दरअसल बहुत गुस्से में है कार्लोड गेमिंग। दरअसल कार्लोड गेमिंग की गर्लफ्रेंड ने सरेआम ब्लेजी प्लेस को जोर से पकड़ के गले से लगा लिया, जिसके बाद कार्लोड गेमिंग का कहना है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बहुत गुस्से में है कार्लोड गेमिंग। हमारी आज की अगली खबर निकल के आती है मासूम से दिखने वाले अनिकेत सोनू की तरफ से, जहां पर पता चला है कि अनिकेत सोनू को एक लड़का आंखें घुसंड मार के नीचे गिरा जाता है। दरअसल बाद में पता चलता है कि अनिकेत सोनू ने उस लड़के से 5 जेम्स उधार लिए थे जो कि वो एक महीने से नहीं चुका पाए। इसी में गुस्सा आके उस लड़के ने अनिकेत सोनू को मार के नीचे गिरा दिया, जिससे कि अनिकेत सोनू को थोड़ी मोड़ी चोट लगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हमारी अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर निकल के आती है टफमैन वाईटी की तरफ से। जी हाँ, देख सकते हैं किस तरीके से टफमैन वाईटी को ना तो डर है ना तो खौफ। टफमैन वाईटी बिना किसी डर के मौत के कुएं के ऊपर मस्ती मजाक करते खेलते हुए नजर आते हैं। जनता इनसे पूछना चाहती है क्या इनको डर नहीं लगता, क्या इनकी फटती नहीं। टफमैन वाईटी कहते हैं लड़की से डर लगता है साहेब, मौत के कुएं से नहीं। मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, क्या आपको मेरे से डर नहीं लगता। हमारी अगली बहुत ही खतरनाक खबर निकल के आते हैं जालट्रेक्स की तरफ से। दरअसल इस दरिंदे का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल इसने फिर से अपनी दरिंदगी दिखा दी। इसने मौका देखकर एक लड़के को उठाकर घुसंड मारकर तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद उस लड़के का अभी तक शव बरामद नहीं किया गया क्योंकि उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। लेकिन अभी तो जालट्रेक्स फरार हो चुके हैं हमारी खुफिया टीम, और यहाँ तक कि CID को भी बुलाया गया है इसकी खोज करने के लिए। हमारे अगली खबर निकल के आते हैं गोडेक्स की तरफ से। दरअसल गोडेक्स ने भी जालट्रेक्स जैसी ही दरिंदगी दिखाई है। दरअसल गोडेक्स से एक लड़के ने एक महीने पहले 5 जेम्स उधार लिए थे जो कि वो एक महीने तक नहीं चुका पाया। इसी के चलते गोडेक्स को गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उस लड़के का शव का भी अभी तक कुछ पता नहीं किया गया है। फिलहाल तो इसको भी पकड़ने के लिए CID को बुलाया गया है, लेकिन ये भी फरार हो चुका है जालट्रेक्स की तरह। हमारी आज की आखिरी खबर निकल के आती है ब्लेजी प्लेस की तरफ से। जी हाँ, ब्लेजी प्लेस पर अचानक से हमला होता है। दरअसल ब्लेजी प्लेस कहीं पर जा रहे थे और उन पर अचानक से बहुत बड़ा हमला होता है, जिसके बाद ब्लेजी प्लेस का कहना है कि जिसने भी ये हमला किया है उस बदतमीज को पकड़ के फांसी दिलवाई जाए। तो बस मेरे भाइयों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरी ऐसी आने वाली कोई भी फनी न्यूज़ वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।